छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री रामविचार नेताम विधायक लता उड़ेसी भी उड़ीसा के लिए रवाना हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मेल उड़ाव की पत्नी के दशक्रम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने नक्सलवाद को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी दौरे के दौरान नक्सली इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक लेकर गए हैं। हमारे साथ हमारे ट्राइबल और कृषि मंत्री अमित शाह ने शाम जी और सुश्री लता उसेंडी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के और उड़ीसा प्रांत के संगठन के सब प्रभारी भी हैं, वो भी साथ में जा रहे हैं। वहां पर माननीय जुएल उराव जी जो भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं, उनकी पत्नी का पिछले दिनों निधन हो गया और आज उनका क्रियाक्रम ब्राह्मण को जो वगैरह है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये नक्सलवाद कितना वेक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं? जो भी जो प्रशिक्षु डीएसपी है उनका तबादला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किया गया है, किस तरह से किया जाएगा नक्सलियों को लेकर? देखिए, सबको मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं पिछले 7-8 महीनों से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को भी नक्सल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक लेके गए हैं और उनका कमिटमेंट है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इस नाते ही हम लोग को उसका लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए हम लोग लड़ाई के साथ साथ उस क्षेत्र में विकास हो और सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे इसकी भी चिंता कर रहे हैं और नीलानार योजना के माध्यम से जो सरकार की योजना है और लगातार सुरक्षा केंद्र खोल रहे हैं, इसके माध्यम से सरकारी योजना को पहुंचा रहे हैं। सर्कल कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज हुआ और कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है इसलिए लाठीचार्ज और इस तरीके की कार्रवाई। सरकार किस बात से डरेगी? डरने का कोई सवाल नहीं है। पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही, कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झिंगिया उड़ाव को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। इस मंत्रालय के पहले मंत्री जुएल उड़ाव बने। उन्होंने उड़ाव के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को याद करते हुए कहा कि जुएल उड़ाव उनके बड़े भाई जैसे हैं। किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उनकी धर्मपत्नी का बड़ा योगदान होता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कृषि और आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री और विधायक लता उड़ेसी भी मौजूद रहे। एक क्रियाक्रम में शामिल होने हमारे साथ हमारे प्रदेश के कृषि और ट्रैवल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी आए हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी सुश्री लता उसेंडी जी जो उड़ीसा संगठन की सह प्रभारी है वो भी आए हैं और जुएल जी का बहुत आशीर्वाद रहा। 99 में पहली बार हम भी सांसद बने, अटल जी प्रधानमंत्री बने तो अटल जी पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार में किए और पहले मंत्री श्री जुएल राव जी बने और उनका हमको मतलब वो बड़े भाई की तरह थे और हमारे क्षेत्र में हमारे लोकसभा क्षेत्र में बहुत उन्होंने पैसा दिया पुलिया के लिए। हमारे क्षेत्र में अनेकों नदी नाले थे उसका पुल का निर्माण उन्होंने कराया और बोलते थे कि विष्णु जितना पैसा लेना है ले जाओ, बहुत उनका आशीर्वाद उनको मिला, बड़े भाई की तरह उनका प्यार। पर्सनली आप मिले हैं फिर आज आए हैं उनका? जी जी,
देखिए हर जो जो राजनीतिक खतरे में जाते हैं पूरा पीछे उनका घटना करने का योगदान था, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो चाहे संगठन का काम हो, जितने विद्वंसी आगे गए उनका पीछे हमेशा उनका योगदान था। देखिए कोई भी पुरुष सफल होता है तो उसके पीछे धनपत्नी का बहुत बड़ा। बीजेपी में सदस्यता अभियान को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी कल्याण कार्यालय खुशाभाव ठाकरे परिषद बैठकों भी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बैठक में हिस्सा लिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, संजय श्रीवास्तव, पवन साय समेत तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बैठक में शामिल है। प्रदेश के सभी जिलों के मोर्चा के अधिकारी बैठक हो रही है। सभी प्रकोष्ठों की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय और किरण सिंह देव 3 सितंबर को लेंगे। पूरे हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत भारतीय जनता पार्टी के और संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारियों की सम्मिलित बैठक यहां पर संपन्न हो रही है। कल प्रकोष्ठों की बैठक होगी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठ मंडल से लेकर बूथ तक के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारा जो पर्व है सदस्यता का अभियान का, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपने अपने मोर्चों के हिसाब से जो भी आज की बैठक में तय होगा उसके तहत से और सदस्यता अभियान में और संपूर्ण रूप से अपना सहभागिता सुनिश्चित। नहीं, हमारे मोर्चों का स्वरूप जो है विभिन्न विभिन्न और वर्गों के बीच में उनका काम करने का वो है। युवा मोर्चा का युवाओं के बीच में है, महिला मोर्चा का हमारी मातृशक्तियां महिलाओं के बीच में है, किसान मोर्चा का किसान मोर्चा के बीच में है, अल्पसंख्यक मोर्चे का अल्पसंख्यक मोर्चे के बीच में है, पिछड़े वर्ग मोर्चा का पिछड़े वर्ग मोर्चा का, इस तरीके से 7 मोर्चे जो हैं हमारे, और उन 7 मोर्चों को उनके बीच में जाकर अपने अपने क्षेत्र में और विशेषकर जिस वर्ग का लिए वो मोर्चा गठन हुआ है और उस मोर्चे में अंतिम छोर तक जाके और सदस्यता अभियान को उनको संपादित करना। जम्मू कश्मीर के चुनाव का बयान दिया है कि जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो भी वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, उनको कुछ पूछ नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसा तो उनको बोलना भी नहीं चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि राजनीति के क्षेत्र में हर विषय पर कोई टिप्पणी की जाए। और सभी का सम्मान है, सभी इस काम में लगे भी हैं और जिनकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सभी से अपने और संगठन में काम करने के लिए उनका सहयोग भी ले रही है, उनको सहयोग भी प्रदान कर रही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में तो कोई जा नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और पूरे विकास को फोकस करके उस दृष्टि से सभी का और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और निश्चित रूप से जो जो हमारे न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि जो भी हमारे नए और विभिन्न राजनीतिक दल हो या विभिन्न समाज वर्ग से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्यों के साथ जोड़ रही है। जम्मू कश्मीर में सीटों का ऐलान और खास बात की रही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, सीटों का बंटवारा हो गया। अब सवाल ये खड़ा होता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की सरकार में आपने शुरू की, चाहे एक निशान की बात हो चाहे 370 का जिक्र हो, और जो एनसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इसको अपोज कर रही है, तो क्या माना जाए कांग्रेस के साथ? नहीं, कोई नया बात तो नहीं है कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस हमेशा उन चीजों पर हाथ रखती है जिनके साथ फिर और अलग अलग गतिविधियों में जो संचालित होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम सभी जानते हैं किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को और उस समय से तो इन्हीं का तो था 370-35 वगैरह इन्होंने लगा के रखा था, जिस तरीके से कि हमारे देश के अन्य भूभाग से वहां कोई जाए तो परमिट लो, वहां जाए तो परमिशन लो, वहां के लोगों को अलावा कोई बाहर का आदमी वहां पर किसी काम व्यवसाय को नहीं ले सकता था, विवाहों पर प्रतिबंध था कि बाहर के लोग विवाह करें तो दुनिया भर की समस्याएं उनके साथ आती थी प्रमाणित करना प्रमाण पत्र को लेकर। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दृढ़ निश्चय के साथ और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कहती है कि कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कही है कि ये हमारे भारत का अविभाज्य हिस्सा है, अभिन्न अंग है और इसी को लेकर तो ये काम किया हुआ है। अब ये
हम जो कहते थे कि कांग्रेस की मानसिकता इस तरीके से है कि जो विभाजनकारी शक्तियां उनके साथ खड़ी होती है, विघटनकारी शक्तियों के पक्ष में बात करती है, सिद्ध होता है इससे निश्चित रूप से। और कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव में इस बात को निश्चित रूप से समझ सकती है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक परिवार के रूप में है, हम एक दूसरे को सहयोग करने के लिए जहां जहां से केंद्र से हम लोग को जहां जहां की भी सूची की मांग हुई है, जहां हमारे वरिष्ठ नेताओं की मांग हुई है, निश्चित रूप से जाएंगे। नहीं, ये व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्थित सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी इस पर लगातार और बैठके भी कर रहे हैं, मेरी बात भी है उनसे। और निश्चित रूप से शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, अन्य सभी जो मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी आवश्यकताएं जो किसी भी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार के लिए है, उस दिशा में योजनाएं भी बन रही है और उस पर काम भी होगा। थैंक यू। खबर रायपुर से है, जहां गढ़ियारी के अवधपुरी मैदान में आयोजित विशाल दही हांडी उत्सव कार्यक्रम में प्रदेश की गोविंदा टोलियों ने हिस्सा लिया, लेकिन 5,51,000 की इनामी राशि वाली दही हांडी को कोरबा जिले के आनंद गोविंदा टोली ने 7 फीट ऊंचा पिरामिड में 7वें पिरामिड के ऊपर चढ़कर तोड़ा। इसी के साथ टिकरा पारा समिति की युवतियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्व मंत्री श्री कटराव वर्मा, विधायक श्री किरण सिंहदेव और आयोजन समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल की उपस्थिति में मटकी को तोड़ा। तो वही मुख्यमंत्री साय ने 1,51,000 रुपए की इनामी राशि सौंपी। बता दें कि जैसे ही आनंद और युवतियों ने मटकी तोड़ी, मैदान में हर कोई खुशी में झूम उठा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दही हांडी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से हमें जीवन जीने की लीला सिखाई है। महाभारत में भी कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने का संदेश दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु श्री कृष्ण के मैं स्वर दूंगा, आप लोग नारा लगाएंगे, मेरा निवेदन है आप सभी से, दोनों हाथ उठा के बोलिए नंद के आनंद की, आनंद के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये विशेष अवसर, जबकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष में दही हांडी प्रतियोगिता का यह पावन अवसर, और हम सबके लिए ये बड़ी और वास्तव में सुखद बात है कि हमारे मंच पर हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी, लोकप्रिय और सभी की लगातार चिंता कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ की, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, आप सभी से आग्रह है। अभी अभी जिन्होंने बहुत ही सुमधुर शब्द में भगवान कृष्ण की प्रार्थना की, और ऐसे हमारे राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय टंकराम वर्मा जी, हमारे आदरणीय संत, हमारे महाप्रभु राजीव लोचन जी, हमारे संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय नंदलाल जी, मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे सभी स्वजन, वरिष्ठ जन, जिसमें मोतीलाल साहू जी विधायक के नाते हमारे बीच उपस्थित है, हमारे गुरु खुशवंत साहिब है, सबको बधाई देते हैं। भगवान कृष्ण के अवतार का समय है, अधर्म के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतरण हुआ है और हम सब कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। सबको बधाई देते हैं, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। हाथी घोड़ा पालकी, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
आज के ये विशाल दही हांडी उत्सव में हमर बीच में मंच में विराजमान हमर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और विधायक आदरणीय श्री किरण देव जी, हमर सरकार के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, पूज्य राजीव लोचन महाराज जी, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू जी, खुशवंत साहेब जी, हमारे ईश्वर साहू जी, हमारे पार्टी के सबो वरिष्ठ जन, माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पूरा करने वाला और प्रदेश के जन जन के अपेक्षा पूरा करने वाला हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही सहज सरल संवेदनशील जेकर नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास हुआ थे, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। और आज मंच में हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव सिंह जी और विधायक जगदलपुर के साथ बस्तर संभाग में संचार नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय पोचा केबिन के अनुदेशकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सांसद को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हमारी टीम ने प्रदर्शन कर रहे अनुदेशकों से बात की। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ गौरवेड़ा प्रांगण में, जहाँ कोटा के वृद्ध कल्याण संघ का आज उन्होंने माननीय सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है। किस विषय में ज्ञापन दिया है जैसे हम जानेंगे, हमें विशेषता तो बताएंगे। आपने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया, किस विषय में दिया और किस उससे दिया है बताएंगे आप? हम विगत 14-15 सालों से काम कर रहे हैं सर, हमारी मांगों को लेकर आज पर्यंत हमारी मांगों को लेकर नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। उसी तरह भी नया संसद महोदय जी बने तो उनके माध्यम से हमारी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने का निवेदन किया है। और बीच में भी इससे पहले भी उनके निवास में जाकर मिले थे, वो भी संज्ञान में लेकर बात की है। फिर भी अब अपने क्षेत्र में आते तो आ रहे हैं तो एक बार फिर से मिले हैं। हमारे मांगे सब की चार मांगे हैं जिसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। हम लोग का एक पहला मांग है, जब अभी जैसे भर्ती निकला है, भर्ती प्रक्रिया में हम लोग को सविलियन किया जाए बोल के हम लोग एक मांग रखे हैं, जिसके लिए केंद्र से अनुशंसा कर राज्य को प्रस्तावित करने के लिए निवेदन किए।
दूसरा है सर, विगत कुछ दिन पहले हम लोग को पार्ट टाइम टीचर बोल के एक आवेदन लेटर आया दिल्ली से, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग को 24 घंटा सेवा दे रहे हैं, 24 घंटा सेवा देने के बावजूद भी पार्ट टाइम का नाम आगे से आना थोड़ा हमारे मन में अटपटा सा लगा, जिसके लिए हमें जाके हमारे जिला कार्यालय में मिले, राज्य कार्यालय में भी जाकर मिले, लेकिन वहाँ से कोई हमको मतलब सही जवाब नहीं मिला कि आप लोग आगे किस प्रकार आप लोगों को काम करना। तो इससे इस चीज़ को हम लोग केंद्र में इनके माध्यम से दिल्ली तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं कि आखिर हमको एक फिक्सेशन हो जाए कि तुमको 8 घंटा करना है या 2 घंटा करना है या 24 घंटा करना है। हमारा अभी तो 15 साल हो गया सर, 15 साल के बाद और कुछ साल और बचा है, हमको कहीं के नहीं रह गए हम लोग। इसलिए हम निवेदन करने आए इनके माध्यम से कि हमारा कुछ तो कोई दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाए, हमको एक सार्थक जवाब मिले वहाँ से। इससे पहले आपने माननीय कैबिनेट मंत्री सुधीर कश्यप को भी दिया था जी, उन्होंने क्या बोला था बताओ? उनसे भी दिए थे, लेकिन वो उनको संविलियन की बात किए तो वो बोले पहले TAT आप लोग कर लो। तो TAT आप देखो ऐसा है सर, हमारे पास कोई बुनियादी शिक्षा से उतना जुड़े नहीं है कि एकदम हम लोग TAT पास कर पाए, सब दूरस्थ अंचल से ले दे के पास होकर कर रहे हैं, और इतना साल सेवा देने के बाद यदि ऐसा करते हैं तो कभी 12वीं पास वाले को लिया पिछली गवर्नमेंट ने, केवल 12वीं पास वालों को लिया, उनके पास ना DED है ना ही चलो भाई डिग्री उनमें भी है ऐसा कोई डिग्री है, ये सब नहीं रहते हुए जब उनको ले सकता है तो 15 साल हम लोग बच्चों को इतना सेवा देने के बाद भी हमारे लिए ये नियम क्यों लागू होना, ये हमारा संसद महोदय से एक जवाब था। उनको हम लोग पूछे कि ऐसा हमारे लिए क्या ऐसा कोई स्कूल नहीं बन सकता है, कानून हमारे लिए ऐसा कठोर क्यों रहता है। कौन कौन से ब्लॉक से आप लोग आए हैं? अभी सभी जिला से हैं, नारायणपुर जिला, बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा, सुकमा। पूछूंगा जी से पूछूंगा मैं क्या कैसे क्या विस्तार से बताएंगे जी, बताइए। सर मेरा नाम नारायण मार्तम, नित्य कल्याण संघ बीजापुर छत्तीसगढ़ दोस्त, मैं हर कदर छत्तीसगढ़ को स्वागत करता हूँ आपकी खबर पहुँचाने के लिए। मैं आज सांसद महोदय से बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक में मुलाकात होना सौभाग्य की बात है। हमारी मांगे अनुदेशक वृत्तियाँ लोगों की काफ़ी 15 साल हो चुकी है, मांगे विगत वर्षों से हम आवेदन निवेदन कर रहे हैं, आज तक सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। आज तो हम सामूहिक तौर पर आके हम उसके सामने ज्ञापन सौंपे हैं, तो बोले हैं कि इसको क्रियान्वयन संज्ञान में लिया जाएगा, बल्कि आज से 15 साल हो गए हमारे वृद्ध लोग और अनुदेशा लोग की उनका उम्र होती जा रही है, जैसे कि भाई क्या 24 घंटा काम सेवा देते रहते हैं और हम लोग को घर द्वार का काम छोड़ के हम लोग संस्था में रहते हैं। हम पर्याप्त मात्रा में आज की महंगाई के दौड़ होते हुए भी वेतन समय अनुसार भी नहीं मिलते और कम वेतन में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आपने ज्ञापन दिया, अगर इसका निराकरण नहीं होता तो आप क्या करेंगे इस बताएंगे? हाँ, हमारे संगठन का ये और है कि हम कुछ उग्र आंदोलन की संक्षेप में हम जाएंगे, ऐसा है हमारे संगठन का कहना, और हमारी मांग अगर पूरा नहीं होती हम लोग जो भी मांग आवेदन पर संसद के माध्यम से फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये थे कोटा का भी अनुदेशक और वित्त कल्याण संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मैं नीरज गुप्ता, हर खबर छत्तीसगढ़। वृद्ध कल्याण संघ बस्तर संभाग के इस प्रदर्शन के बाद गौरतलब है कि कोटा कैबिन के अनुदेशकों का ये मुद्दा फिर से गरमाने वाला है और इस पर राजनीति होने की भी पूरी उम्मीद है। बहरहाल अनुदेशकों के सांसद को ज्ञापन सौंपने के बाद क्या अनुदेशकों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर कोई कदम उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में रायगढ़ पुलिस हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उर्दना बाईपास रोड के पास पुलिस अधीक्षक ने स्वयं स्पॉट पर रहकर बिना हेलमेट बाइकर्स को रुकवाकर 500 रुपए की चलानी कार्रवाई की। वहीं स्थानीय समाज सेवी सुनील लेंद्रा के द्वारा हेलमेट भी दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि हमारा लक्ष्य 5000 हेलमेट वितरण कराने का है। बताएंगे आज आप यहाँ क्या होगा। मैं इधर गुजर रही थी तो गाड़ी लगाने के लिए बोले, ये बहुत जरूरी है हर एक नागरिक के लिए, और कुछ भी एक्सीडेंट विषय होता है तो बचने के लिए बहुत जरूरी है, और सबसे निवेदन है कि सब लगाएं। रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार हेलमेट वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा 5000 हेलमेट वितरण का टारगेट लिया गया है। लगातार विविध इंडस्ट्री के जनसहयोग के माध्यम से जो भी बिना हेलमेट होता है उनको फ्री में हेलमेट दिया जाता है, साथ में ही उनको सबक सिखाने के लिए 500 रुपए का बिना हेलमेट के लिए चालान काटा जाता है। आज इसी क्रम में रायगढ़ पुलिस द्वारा हेलमेट वितरण किया जा रहा है, वो भी उनको प्रदाय किए। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया काम किया जा रहा है रायगढ़ पुलिस के द्वारा। रायगढ़ के दिव्यांग पटेल सर के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी जो बाइकर्स हैं उनको हेलमेट पहनने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।